देखिए, स्फेरिकल लेंसेज में हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक मीडियम है, मान लीजिए ग्लास है और ग्लास की कोई बॉल है, उस ग्लास की बॉल को हम एक इस तरीके से काटते हैं कि उसके दो टुकड़ों को अगर आमने सामने हम ज्वाइन कर दें या बैक टू बैक अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास दो तरीके के लेंसेज बनते हैं। एक तो बनता है कॉन्वेक्स लेंस और एक बनता है कॉन्केव लेंस। वो बनता किस तरीके से है, एक बार शुरुआत में मैंने आइडिया दिया था, दोबारा डिटेल में करते हैं इसको। देखिएगा, इसमें हम ये कहेंगे अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन ऑफ व्हिच इज अ कर्व्ड सरफेस। At least one of which is a curved surface. At least one of which is a curved surface. ठीक, अब देखिएगा क्या करेंगे इसमें हम। आप ये देखो कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ग्लास की बॉल है बहुत बड़ी, मान लीजिए इस तरीके से, हमारे पास एक ग्लास की बॉल है। अब इस ग्लास की बॉल को मैंने इस तरीके से यहां से काट दिया और यहां से काट दिया, तो बॉल है तो सीधी सीधी बात है कि बॉल किस शेप में होती है, बॉल होती है स्फीयर की शेप में, तो स्फेरिकल शेप होती है। इसी वजह से बॉल जो होती है वो कांच की बॉल होती है, उसमें से जो मैं टुकड़े काटूंगा वो स्फेरिकल बॉल के टुकड़े होंगे। उन टुकड़ों को जोड़कर जो हम लेंस बनाएंगे उस लेंस को हम बोल देंगे स्फेरिकल लेंस। तो अब आप देखिएगा कि यहां पर मैंने एक टुकड़ा यहां से काट दिया और एक टुकड़ा यहां से काट दिया, तो मेरे पास एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। अगर इन टुकड़ों को मैं आमने सामने ज्वाइन कर देता हूं, मैंने इसको ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर दिया, बेटा ये कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि इसमें दो सर्फेसेस हैं, बल्जिंग आउट सरफेस, उभरी हुई सरफेस। उभरी हुई सरफेस को हमेशा कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं और जो गहरी सरफेस होती है उसको हमेशा कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। गहरी का मतलब ये हो गया जैसे गहराई, गहराई का मतलब हो गया जैसे क्या, जैसे कोई गुफा होती है, तो गुफा को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, केव बोलते हैं। तो कॉनकेव मतलब क्या कि जहां पर भी गुफा होगी वहां पर मैं उसको बोल दूंगा, जहां पर भी गहरी सरफेस होगी उसको मैं बोल दूंगा कॉनकेव सरफेस। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैंने इसको फ्रंट टू फ्रंट इन दोनों पीसेस को ऐसे जोड़ दिया तो ये बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अगर मान लीजिए इनको मैं घुमाकर जॉइन कर देता हूँ बैक टू बैक, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो अब बाहर की तरफ मुझे ये सरफेस कौन सी दिखाई दे रही है, गहरी वाली यानी कि केव वाली सरफेस। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन केव लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस। उसके बाद आप देखिएगा कि अगर मैंने कहा कि यहाँ जो डेफिनेशन थी, एज पर द डेफिनेशन मैंने ये देखा कि अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच इज अ कर्व सरफेस, एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच इज अ कर्व सरफेस। दोनों में से कम एक जो है ना वो सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है, कम से कम एक। यहाँ पर क्या है, देखिए ये वाली सरफेस भी कर्व है, ये वाली सरफेस भी कर्व है, ठीक है, या तो दोनों कर्व दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई एक भी कर्व होगी तो भी चलेगा। कैसे, देखो अगर मान लीजिए मैंने ये करा कि इधर वाली सरफेस तो ऐसे है, कॉनकेव सरफेस उभरी हुई सरफेस है ना, तो कॉनकेव सरफेस इधर वाली तो कॉनकेव हो गई, और इधर क्या कर दिया मैंने, इधर मैंने प्लेन सरफेस ले ली ग्लास की,
तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको मैं बोलूंगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि एक सर्फेस जो है वो प्लेन है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा देखते हैं। अगर एक सरफेस इधर है, इस तरफ उभरी हुई, और दूसरी तरफ जो सरफेस है वो गहरी है सरफेस, ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि हम किस तरीके से इसको देख रहे हैं। हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि इधर वाली राइट वाली सरफेस को पहले देख रहे हैं, फिर लेफ्ट वाली सरफेस को देख रहे हैं। तो राइट में हमने देखा था इधर क्या था, प्लेन लेंस का लेंस, मतलब प्लेन लेंस था, यहाँ पर ग्लास का प्लेन टुकड़ा था यहाँ पर लगा हुआ, और इधर उभरा हुआ यानी कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सरफेस वाला टुकड़ा यहाँ पर लगा हुआ था। तो राइट वाला प्लेन है तो मैंने बोल दिया प्लेनो, और इधर वाला उभरा हुआ है तो मैंने बोल दिया कॉन्वेक्स। अब इधर देखिए राइट वाला है, राइट वाला कैसे है, गहरा है यानी कि कॉनकेव है, और जो लेफ्ट वाला है वो क्या है, वो उभरा हुआ है यानी कि कॉन्वेक्स है। तो मैं क्या बोलूंगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया? हाँ सर, इतना क्लियर है प्रिया आकृति? ठीक यस सर, क्लियर है। है यस सर, जी। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये कॉन्वेक्स लेंस की मैंने टाइप्स लिखी, तो कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन लिखिए जरा। कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन है, कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन है, इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। कॉन्वेक्स लेंस इट इज थिकर एट द सेंटर इट इज थिकर एट द सेंटर देन एट द एजेस। फुल स्टॉप। इट कन्वर्जेस, इट कन्वर्जेस, इट कन्वर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट, इट कन्वर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट, ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू इट। और ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू मैंने लाइट को पास करा दिया, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू मैंने लाइट को पास कराया, तो लाइट जब उस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास हो जाएगी ना, तो अगर मान लीजिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, मान लीजिए ऐसे आ रही है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो इसमें टकराने के बाद ना ऐसे मिल जाएगी आगे जाके, आगे जाके वो मिल जाएगी। हो सकता है किसी केस में ऐसा भी हो कि वो वापस पीछे ही आ जाए, वो पीछे ही आकर मिल जाए। एक दो केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कहाँ बनेगी, ऑफ द सेम साइड, ऑन द सेम साइड वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहां ऑब्जेक्ट होता है अगर उसी तरफ इमेज बन जाती है ना लेंस के केस में, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हम खैर उन चीजों को छोड़िए, हम ये कहते हैं कि जैसे अलग अलग तरीके के लेंसेज होते हैं, तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है कि इतनी भी फैली हुई लाइट क्यों ना आ रही हो,
बहुत सारी रोशनी आ रही है लेकिन वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद एक सिंगल बीम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, वो एक जगह आके कन्वर्ज हो जाएगी, एक जगह आकर इकट्ठी हो जाएगी। वही ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, वहां पर अगर एक छोटी भी बीम ऑफ लाइट आ रही है ना तो वो भी लेंस से टकराने के बाद ऐसे फैल जाएगी। तो आप ये समझते होंगे कि जो हम अपनी कार में जो हेडलैम्प लगे रहते हैं तो कार में जो हेडलैम्प है उसमें ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि उसमें डाइवर्जिंग लेंस लगते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर मुझे एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं करना है, सिंगल पॉइंट पर मुझे फोकस नहीं करना है, वहां पर हमें रोशनी ऐसी चाहिए जो चारों तरफ फैले, मुझे पूरी रोड बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, तो इस वजह से वहां पर डाइवर्जिंग लेंस लगे रहते हैं जो रोशनी को फैला दे चारों तरफ। तो क्या उसमें कन्वर्जिंग लेंस भी होते हैं? तो वहां पर एक बटन होता है, एक होता है आपने सुना होगा हाई बीम और एक होता है लो बीम। तो हाई बीम का मतलब क्या है? हाई बीम का मतलब ये है कि वो डाइवर्जिंग लेंस में, मतलब जो बल्ब है बल्ब ऐसे मूव कर जाते हैं, बल्ब डाइवर्जिंग लेंस की तरफ मूव कर जाते हैं। खैर पहले हुआ करता था ये, अब दो अलग अलग बल्ब लगे रहते हैं लैंप्स में, दो अलग अलग बल्ब लगे रहते हैं, एक लगा रहता है कॉनकेव लेंस के आगे, तो अगर आपने हाई बीम ऑन करा तो वो कॉनकेव लेंस वाले बल्ब ऑन हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि रोशनी पूरी सड़क पर फैलती है, और अगर आपने लो बीम वाला ऑन करा तो हाई बीम वाला बंद हो जाता है, लो बीम वाले बल्ब जल जाते हैं, वो लो बीम वाले जो बल्ब है उनके आगे कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, वो सारी लाइट को सिर्फ और सिर्फ सड़क की तरफ फोकस करते हैं, मतलब एक जगह फोकस कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं, एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं। समझ में आ गया दोनों में अंतर, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में? हाँ सर। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, इसमें क्या होगा? इट इज थिनर एट द सेंटर देन एट द एजेस। It is thinner at the center than at the edges. It is thinner at the center than at the edges. Full stop. It diverges a parallel beam of light on refraction through it. It diverges a parallel beam of light on refraction through it. तो ये रोशनी हो, लाइट हो, ये क्या करता है? Diverging lens, concave lens, ये उसको फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है। चलिए जी, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंसेस। टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंसेस, सबसे पहले तो कॉनकेव लेंस ही बना लो। ये इधर से भी गहरा है और इधर से भी गहरा है, दोनों तरफ से गहरा है, इधर से भी और उधर से भी। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस, बाई मतलब दो, दोनों साइड से गहरा है, दोनों साइड से केव है, तो बाई कॉनकेव लेंस। उसके बाद दूसरा, इधर से प्लेन है और इधर से गहरा है, तो इसको क्या बोलेंगे? समझ गए होंगे आप, प्लानो कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस, ये हो गया। ठीक है,
फिर आप क्या करिए, इधर से करिए इसको गहरा, और इधर से उभार लीजिए थोड़ा सा, उभरा हुआ बल्जिंग आउट। तो आप देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है, यहां से गहरा है और यहां से उभरा हुआ है, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, समझ गए बेटा, ये बेटा चारों बच्चों के लिए तीनों को। हाँ सर। ठीक, यस सर। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं इन कनेक्शन टू स्फेरिकल लेंसेज, मतलब कुछ टर्म्स हैं वो आप समझ जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स, तो पहली टर्म है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कैपिटल सी बोल देते हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस, of the surface of a lens is the center of the sphere of which is the center of the sphere of which it forms a part, of which it forms a part. Full stop. Because a lens has two surfaces, so it has two sectors of curvature. Because a lens has two surfaces, so because a lens has two surfaces, so it has two centers of curvature. So it has two centers of curvature. दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैं एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं या मैं किसी कॉनकेव लेंस की बात करूं। आप ये देखिए, अगर मान लो मैं किसी कॉनकेव लेंस की बात करता हूं, तो आप देखो ये एक कॉनकेव लेंस हो गया, दोनों तरफ दोनों साइड जो है वो इसकी गहरी साइड है, तो ये कॉनकेव लेंस हो गया। अब इस कॉनकेव लेंस में हम क्या करेंगे कि एक ना इसको बीच में से इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाए, तो इसकी एक वर्टिकल एक्सिस बनाइए, जैसे वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं इसको, और ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस जो बिल्कुल इसके सेंटर से होकर गुजरती है। अब जब दोनों पॉइंट्स यहां पर मिलेंगे,
ये पॉइंट कहलाता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है आते हैं अभी उस पर भी, लेकिन पहला मेरा टारगेट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि ये जो कर्व पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, अगर इस कर्व पोर्शन को कंप्लीट करके एक स्फीयर बना लिया जाए, देखो ये जो कर्व हिस्सा है इसको कंप्लीट करके आपने एक स्फीयर बना लिया, तो इसका मतलब क्या है कि इस स्फीयर का ही एक टुकड़ा है ये लेंस, ठीक है, ये इस स्फीयर में से कटकर निकला है। तो इस स्फीयर का सेंटर क्या है ये, तो एक तो ये सेंटर हो गया, एज ए इनर भी तो कर्व सरफेस है, तो अगर इसको कंप्लीट करा गया, इसको कंप्लीट करेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, तो ये भी आपका जो है सेंटर हो गया। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, एक को सी बोल देते हैं, एक को सी डैश बोल देते हैं। क्लियर है कि दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर भी होते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट देखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर जी, सर कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होंगे? तो कॉन्वेक्स लेंस का बताता हूं मैं, एक मिनट रुको बस। अगर हम कॉन्वेक्स का एग्जांपल लेकर चलते हैं, कॉन्वेक्स में भी दो ही होंगे, मैंने बोला कि यहां पर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज थिकर एट द सेंटर एंड देन एट द एजेस, जिसके कंपैरिजन में बीच में से थिक होता है, तो इसकी एक वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे जो इसको वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करती हो, और ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब ये जो कर्व है इस कर्व को कंप्लीट करिए, तो एक स्फीयर इधर बन गया, तो एक तो सेंटर इधर हो गया, सी डैश बोल दो इसको, और एक जो इधर वाला कर है इसको कंप्लीट करिए, तो एक स्फीयर इधर बन गया, इसको सी बोल दो, समझ गए? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गए हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड पार्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोल देते हैं कैपिटल आर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ अ लेंस of the surface of a lens, the radius of curvature of the surface of a lens is the radius of the sphere, is the radius of the sphere, is the radius of the sphere of which is the radius of the sphere of which the surface forms a part, of which the surface forms a part. ठीक है, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीधी सीधी बात है कि अगर मान लो मैं इस कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ये जो स्फीयर बना है, इस स्फीयर के रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो स्फीयर बना है यहाँ तक का, ये जो इसका रेडियस है, इसी को मैं बोल देता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर।
कुछ मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं इसमें। अगला टर्म देखते हैं। हाँ सर। हाँ जी, तो पहला हो गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा देखें, तीसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलेंगे C1 C2। आप चाहे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको C1 C' बोल दीजिए, और चाहे आप उसको C1 C2 बोल दीजिए, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है ना। तो इसके केस में, कॉनकेव के केस में इधर C1 होता है उधर C2 होता है, और कॉन्वेक्स के केस में इधर C1 होता है और इधर C2 होता है। उसका रीजन क्या है? हम ये कहते हैं कि कॉन्वेक्स के केस में जो इमेज है, कॉन्वेक्स के केस में इमेज इस तरफ बनती है, राइट हैंड साइड पर बनती है, तो हम हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लेंगे। मतलब होते तो दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पर इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं इस केस में। उसका रीजन है C1 वाला यानी कि पॉजिटिव साइड और C2 वाला यानी कि नेगेटिव साइड। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये लेफ्ट वाली नेगेटिव साइड है, तो ये मैं आपको साइन कन्वेंशन में आराम से बता दूंगा कि कहाँ किसको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सारी कुछ चीजें जो है ना वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ पर, अभी आते हैं फोकल लेंथ पर भी, उससे समझ में आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सरसाइज C1 C2 इसको देखिएगा, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, इट इज द लाइन passing through it is the line passing through the two centers of curvature of the lens, passing through the two centers of curvature of the lens. Okay, जो दो centers of curvature को join करने वाली जो straight line होती है उसी को हम बोल देते हैं principal axis. ठीक है, समझ में आ गया होगा, चले आगे। हाँ जी सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं बेटा, fourth है optical center. ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर में है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस, इफ अ रे ऑफ लाइट इज incident, if a ray of light is incident, if a ray of light is incident on a lens such that after reflection through the lens, such that after refraction such that after refraction through the lens, the emergent ray is parallel to the incident ray. Emergent ray is parallel to the
इंसिडेंट रे then the point at which the refracted ray then the point at which the refracted ray then the point at which the refracted ray intersects the principal axis intersects the principal axis intersects the principal axis is called the optical center of the lens is called the optical center is called the optical center of the lens. ये हो गया optical center. अब क्या है कि हमने तो optical center अभी तक जो 10th class तक पढ़ा था वो यही कहा था कि जहां पर हमारी जो vertical axis है और principal axis है वो दोनों की दोनों जहां पर intersect कर जाती है यानी कि जो center point होता है किसी भी lens का उसको हम बोल देते हैं optical center. लेकिन यहाँ जो ये इतनी खतरनाक डेफिनेशन बताई है इसका मतलब क्या है कैसे समझें इसको इन्होंने बोला है इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस अगर किसी भी लेंस पर कोई रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट करवाई टकरा दी कहीं से भी आई वो रे ऑफ लाइट एक लेंस पर ठीक है सच दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस कि जब लेंस से कोई रे ऑफ लाइट टकराएगी और टकराने के बाद जब रिफ्रैक्शन होगा तो जो इमर्जेंट रे है emergent ray is parallel to the incident ray emergent ray parallel ho jati hai incident ray ke wo hum jante hain ki jab bhi koi bhi ray of light kisi bhi lens se takrati hai ya kisi bhi refracting medium se takrati hai to takrane ke baad jab wo wapas usi medium mein pahunchti hai to wo incident ray ke parallel ho jati hai emergent ray theek hai to jo emergent ray hai wo principal axis wo incident ray ke parallel ho gayi parallel hone ke baad mein hum ye kahenge then the point at which the refracted ray ki baat karo ab aap emergent ko bhul jao aur incident ko bhul jao then the refracted then the point at which the refracted ray intersects the principal axis refracted ray jis point par principal axis ko intersect karegi wahi jo point hai wahi optical center kehlayega aur wo lens ka center point bhi hoga ek diagram bana kar samjhata hu zyada clearly samajh mein aa jayega तो वन वर्ड डेफिनेशन में डेफिनेशन यही लिखना ऑप्टिकल सेंटर की ठीक है ना न्यूमेरिकल्स करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए तो बस हमको यही ध्यान रखना है कि उसमें तो जो लेंस है लेंस का जो सेंटर पॉइंट है वही ऑप्टिकल सेंटर है इन डेफिनेशन पूछी जाएगी तो यही वाली लिखना कि इस तरीके से जो भी मैंने रे ऑफ लाइट उस पर इंसिडेंट करी किसी लेंस पर एक इमर्जेंट रे पैरेलल हो गई इंसिडेंट रे के ठीक है तो जो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी वो पॉइंट ही ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा देखो कैसे और इसमें ना कॉन्वेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का अब देखिएगा डेफिनेशन सबने नोट कर ली ना हाँ सर कर रहे ठीक है अब जरा देखिएगा मैं इसमें क्या बता रहा था कि एक रे ऑफ लाइट इस पर ऐसे आए
एक रियोफाइट ऐसे आती है लेंस पर, लेंस पर आने के बाद में ये रियोफाइट ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से डेविएट होती है अंदर अग्रा सेंटर से, ये कुछ इस तरीके से डेविएट होती है कि यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और फिर ये यहां से ऐसे चली जाती है। मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करके देखूंगा तो हमारी जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है ना, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर मीट करेगी वो वाली जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम ये बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर को क्या कहते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर को बोल देते हैं ओ, ये वाला जो पॉइंट है इसको ओ बोल देते हैं। और अगर यहां से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन करूंगा तो वो इसको मिरर को वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। बताइए जी क्लियर है इतना? हाँ सर। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर के बाद में देखें जी प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ। जो फोकस होता है ना मिरर में तो देखिए सिंगल ही होता है फोकस, लेकिन लेंस में क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेसेस होती है तो लेंस में दो फोकस होते हैं। तो फोकस के प्लूरल को हम बोल देते हैं फोकाई, या अमेरिकन एक्सेंट में फोची भी बोला जाता है उसको, कुछ टीचर्स उसको फोसाई भी बोल देते हैं। फोसाई बोल दो, फोकाई बोल दो या फोची बोल दो, वो एक ही बात है। FOCI मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। तो देखिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकाई या फोकल लेंथ की। तो ये इसका फिफ्थ टर्म है, प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ, इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट the fixed point on the principal axis such that the fixed point on the principal axis such that rays starting from this point such that rays starting from this point is starting from this point full stop in convex lens or appearing to go towards this point or appearing to go towards this point appearing to go towards this point bracket mein likhenge in concave lens after refraction through the lens after
रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम parallel to the principal axis. Become parallel to the principal axis. देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट जो फोकस से होती हुई आती है और लेंस को टकराती है, जो रे ऑफ लाइट जो फोकस से होती हुई आती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस होता है और कॉनकेव लेंस में वर्चुअल फोकस होता है, नकली फोकस होता है. तो हम ये कहेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में, अच्छा ये आपको याद भी होगा, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, आपने 10th क्लास में ये चीज याद करी होगी कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये साइन कन्वेंशन में हम लोग करेंगे कि F is always positive. और अगर कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों में से कुछ भी हो, कॉनकेव अगर है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है. तो फोकल लेंथ नेगेटिव, कभी लेंथ नेगेटिव सुनी है क्या? नहीं सुनी. लेंथ नेगेटिव सिर्फ हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लेंथ नेगेटिव नहीं होती. तो अगर मैं कहता हूँ कि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो वर्चुअल है, वो नकली है. अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस से होकर गुजरती हुई जो रे ऑफ लाइट आती है, एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, कितनी भी आए, बस वो फोकस से होकर अगर गुजरती हुई आ रही है तो वो लेंस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज कि अगर कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में क्योंकि नकली फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है, तो कॉनकेव लेंस में अगर कितनी भी रेज ऑफ लाइट है वो अगर फोकस की तरफ अप्रोच कर रही है, गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, वो एक्चुअल में फोकस तक जा नहीं पाएगी क्योंकि फोकस वर्चुअल होता है. ठीक है, कॉनकेव लेंस में फोकस नकली होता है, वर्चुअल होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में फोकस असली होता है. तो कॉनकेव लेंस में क्योंकि वर्चुअल फोकस होता है, नकली होता है, तो वो कॉनकेव लेंस के केस में रेज ऑफ लाइट फोकस तक जाएंगी जरूर, लेकिन जा नहीं पाएंगी. वो जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगता है कि वो फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन जैसे बीच में लेंस आ जाता है, लेंस से टकराते ही वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है जितनी भी रेज ऑफ लाइट. तो ये फोकस की डेफिनेशन है. और जो हम रे डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम में हम फोकस को ऐसे समझेंगे कि जो भी मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर सी टू है, तो इस सी टू का जो हाफ होगा वही फोकस होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये जो रेडियस है, इसका जो आधा डिस्टेंस होगा वही उसी पॉइंट पर फोकस होता है. ठीक ऐसे ही इस तरफ भी, इधर भी तो है रेडियस, भाई जब इधर सेंटर है तो इधर भी रेडियस, तो एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा. कॉनकेव में भी एक फोकस इधर इस रेडियस का आधा और एक फोकस इधर इस रेडियस का आधा. समझ गए? तो फोकल लेंथ ये होती है, ये फोकस फोकल लेंथ होती है रेडियस का हाफ. इतना क्लियर है? हाँ जी सर. ठीक है जी. अच्छा, तो अभी ये फोकल, देखिए डायग्राम बनाऊंगा, अभी इमेज फॉर्मेशन के बहुत सारे डायग्राम्स देखेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे रेज ऑफ लाइट फोकस तक पहुंचना चाहती है लेकिन पहुंच नहीं पाती. कॉनकेव के केस में वो लेंस से टकराती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. और कॉन्वेक्स के केस में किस तरह से फोकस से होती हुई रेज ऑफ लाइट आती है और मिरर से लेंस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, वो अभी डायग्राम से देखेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. उसके बाद देखिएगा, ये तो हो गया प्रिंसिपल फोकाई, फोकाई के बाद में बात करते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होती है, जब तो दिखाई नहीं देगा इस तरफ कर रहा हूं,
चलिए वो फोकल लेंथ क्या हो गया, इट इज अ लेंथ विच इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये वो लेंथ होती है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, इसको बोल देते हैं फोकल लेंथ. ठीक है जी. इसके बाद एक टर्म हो रहा है इसमें एपर्चर, तो इसी में था फिफ्थ में. सिक्स्थ है एपर्चर. एपर्चर क्या होता है, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस. इट इज द diameter of the circular boundary. So the diameter of the circular boundary of the lens. तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लो मैं ये कहता हूं ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है ना, इसी को बोल देते हैं बेटा एपर्चर. ये सर्कुलर बाउंड्री ये और ये, तो इधर से और इधर तक कनेक्ट करने वाला ये जो है डायमीटर, इसको मैं बोल देता हूँ एपर्चर. क्लियर है, बताइए समझ में आ गया? हाँ सर. ठीक है. अच्छा जी, और इसके बाद में है आपका साइन कन्वेंशन. तो साइन कन्वेंशन जो स्फेरिकल लेंसेज के है ना, स्फेरिकल लेंसेज के साइन कन्वेंशन में मुझे बस एक चीज याद रखनी है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमें फॉलो करना है. इसको आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है. बस एक चीज याद रखेंगे कि इधर करो अपना साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल लेंसेस. तो कुछ चीज हम मानकर चलेंगे पहले से पहले ही, एक कुछ चीजें हम मानकर चलेंगे कि जैसे मान लो कोई भी लेंस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है. मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से. तो अगर एरो ऐसे रखा हुआ है ना कि इसका एरो का जो हेड है वो ऊपर की तरफ और टेल जो है वो नीचे की तरफ, तो हम ये कहेंगे कि ये सीधा ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा है. तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रखेंगे. तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाते हैं. तो ऑप्टिकल सेंटर से वो से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको यू बोलते हैं. यू यू इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है. ऑब्जेक्ट कैसा भी आपको केस दे रखा हो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन द लेफ्ट. ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा. हाइट ऑफ इमेज, अगर मैं इमेज की बात करता हूं तो इमेज की हाइट h1 है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कोई भी सॉरी इमेज क्या ऑब्जेक्ट की हाइट h1 है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को मुझे हमेशा सीधा रखना है. तो हमें स्फेरिकल लेंसेज हो उसमें भी
हमें ये ध्यान रखना है कि एनीथिंग विच इज मेजर्ड ऑन टू द लेफ्ट इज नेगेटिव, एनीथिंग विच इज मेजर्ड टुवर्ड्स द टॉप इज पॉजिटिव। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या करते थे कि ये जो हो जाती थी ना प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो जाती थी, ये जो एपर्चर दिखाई दे रहा है ना ये एक तरह से वाई एक्सिस हो गया। तो आप ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में कुछ भी नापेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ कुछ भी नापेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मेरी इमेज किसी भी केस में, अगर मेरी इमेज किसी भी केस में इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है, तो इसका मतलब क्या है कि उल्टी इमेज है यानी मैं नीचे की तरफ नापूंगा। जब मैं नीचे की तरफ नापूंगा तो सीधे सीधी बात है कि वो नेगेटिव ही आना है, इमेज की हाइट नेगेटिव आनी है। और अगर मेरी इमेज वो राइट साइड में बनती है तो बिल्कुल सही है, राइट साइड में बन रही है तो राइट साइड में एक्स एक्सिस में भी हम क्या लेते थे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में बन रही है तो नेगेटिव। तो बस ये याद रखना है कि राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, टॉप पॉजिटिव, बॉटम नेगेटिव, बस जैसे आप कार्टेशियन सिस्टम में याद रखते थे बिल्कुल वैसे याद रखना, ठीक है। फोकल फोकस जो होता है वो कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, कुछ भी हो वो नेगेटिव होगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ऐसा भी क्यों होगा, ऐसा भी क्यों होगा, तो रटने वाली बात थोड़ी है, ऐसा भी क्यों होगा ये भी डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन में। तो इसको डिटेल में कल करवाता हूँ आपको, और कल की क्लास अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो कल 1:30 बजे रखूँ क्लास, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जो टाइम कंफर्टेबल हो। ठीक है सर। यस सर। बता दो बेटा प्रिया। यस सर। ठीक है ना, 1:30, 2 या 3 रख लूंगा ना, आपको बता दूंगा टाइमिंग जो भी होगा। ठीक है। ठीक है सर। चलिए जी फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके ओके।